मुझे भी कहेंगे खुशामदीन, हम खबरों के साथ मैं सानिया सैमसन और मैं होली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी लॉन्ग मार्च की। तो हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कराची से रवाना हो गया है। काफिला 34 शहरों से गुजरकर 8 मार्च को इस्लामाबाद में एंट्री देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मार्च की क्यादत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने का मिशन मुकम्मल करने को तैयार। मजारे कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज। बिलावल चेयरमैन बिलावल भुट्टो रैली की क्यादत कर रहे हैं। मार्च में हजारों जयाले शरीक हैं। एक दिन भी चैन से नहीं बैठना है जब तक हम इस नालायक का बंदोबस्त नहीं करते। कराची, ठट्टा और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों को खैरमकदमी बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया। मार्च 34 शहरों से गुजरेगा। 28 फरवरी को हैदराबाद, 1 मार्च को मोरो, 2 मार्च को घोटकी, 3 मार्च को बहावलपुर, 4 मार्च को खानेवाल, 5 मार्च को साहिवाल, 6 मार्च को लाहौर, 7 मार्च को लाला मूसा से होता हुआ 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। रास्ते में सजावल, बदीन, हाला, नवाबशाह, खैरपुर, सखर, रहीम यार खान, लोधरा, मुल्तान, चीचा वतनी पड़ेंगे। मार्च ओकाड़ा, पतोकी, गोजरावाला, जैलुम, गोजर खान और रावलपिंडी से भी गुजरेगा। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना हक का मुतालबा करते हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हर शहर से जियाले और अवाम का समंदर रैली का हिस्सा बनेगा। इस्लामाबाद पहुंचने से कबल रैली में लाखों अफराद की शिरकत यकीनी है। बिलावल भुट्टो समेत दीगर कायदीन रैली से जगह जगह खिताब भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कराची ने भी इमरान खान को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो अब सिलेक्टेड को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त आ गया है। अवाम का एक ही नारा है गो सिलेक्टेड गो, जल्द ही बनीगाला से चीखें सुनाई देंगे। इधर से निकलते हैं तो बनी काला से चीखे आएंगे। दिन रात की मेहनत की वजह से इस मुल्क की मईशत चलती है। ना लायक ना अहल वजीर आजम, जिसने ना सिर्फ कराची के हक पे डाका मारा है, बस अब सिलेक्टेड को जाना है। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के 38 मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं। ऐलामिये में कहा गया है कि हर सतह पर ईमानदाराना और आजादाना इंतखाबात कराए जाएं, आजाद इलेक्शन कमीशन कायम किया जाए, आला अदलिया के जजेस का तकर्रुर 73 के आईन के तहत हो, आजादी इजहार का हक यकीनी बनाया जाए, मीडिया पर सेंसरशिप का खात्मा किया जाए, पैमरा की आजादी के लिए नई कानून साजी की जाए, साइबर क्राइम कानून से गैर मुनसफाना दफात खत्म की जाए। ऐलामिये में मुतालबा किया गया है कि मुकन्ना इंतजामिया और अदलिया के अख्तियारात के उसूलों की पासदारी की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दूसरे की हुकूमतों के खिलाफ मार्च। पीपल्स पार्टी ने आवामी मार्च का आगाज कराची से किया। पीटीआई ने घोटकी से हकूक सिंध मार्च की शुरुआत की। मार्च के शुरका जेकबाबाद पहुंच गए। मार्च सुबह लाड़काना रवाना होगा। सिंध की कौमी शहराओं पर अवामी मार्च। पीपल्स पार्टी, विफाकी हुकूमत और पीटीआई सिंध हुकूमत के खिलाफ मैदान में है। सिंध में हिजब इख्तलाफ की सबसे बड़ी जमात और विफाक में बरसर इकतदार तहरीक इंसाफ की जानिब से
हकूक सिंध मार्च जारी है। घोटकी से शुरू होने वाले मार्च में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और वजीर खारजा समेत कई कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन शरीक हैं। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा भी मार्च का हिस्सा हैं। शुरका ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब सखर में गुजारी। कांत कोर्ट में तकारीर के बाद इतवार की रात जैकबाबाद में मार्च रुकेगा। शुरका 28 फरवरी को कंबर शहदाद कोर्ट और लाड़काना जाएंगे। यकुम मार्च को खैरपुर, नौशहरो फिरोज और नवाबशाह में पड़ाव डलेगा। मार्च की अगली मंजिल 2 मार्च को सांगढ़ और मीरपुर खास होगी। 3 मार्च को उमरकोट, थरपारकर और बदीन पहुंचकर रात गुजारेंगे। फिर 4 मार्च को टंडोजाम, चंडोलाहार और मटियारी पहुंचेंगे। अगली मंजिल 5 मार्च को हैदराबाद होगी। 6 मार्च को शुरका जामशोरो से होते हुए 7 मार्च को कराची आएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इमरान खान से हिसाब लेने के बजाय आप पहले 15 साल का हिसाब दें। कंदकोट में कारकुनों से खिताब में कहा कि तुम तीर तोड़ने का फैसला कर लो, हम दिल जोड़ लेंगे। क्या 2023 में सिंध के अवाम शऊर का मुजाहरा नहीं कर सकते? आज लॉन्ग मार्च कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, कहा पंजाब की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, और कहते हैं इमरान खान से हिसाब लेने जा रहा हूं। 3.5 साल हो गए उसको हुकूमत में, 3.5 साल कौम को हिसाब दो। मैं कहता हूं लो तुम भी 15 साल का हिसाब। मैं एक तरफ इमरान खान को बिठा देता हूं, तुम दूसरी तरफ जरदारी को बिठा दो, वो अपना हिसाब दे, वो अपना हिसाब दे, हिसाब बराबर हो जाए। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा तुम उसका तीर तोड़ दो और सिंध को जोड़ दो। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि पीपुल्स पार्टी वाले भड़के मार रहे हैं कि हुकूमत आज गई कि कल गई। जरदारी साहब सुन लो, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है, तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। बड़ी आजकल भड़के मार रहे हैं, हुकूमत एक दिन में गई और 4 दिन में गई और 5 दिन में गई, अगले साल का इंतजार करो। और जरदारी साहब सुन लो जरा, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है और जरदारी को सिंध भगाने के लिए आ रहा है। तैयारो तैयारो, और इमरान खान का साथ दोगे? वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि सिंध के अवाम महरूमियों का शिकार हैं, सिंध के हुक्मरान अवाम का माल चोरी करते हैं। कंदकोट में जलसायाम से खिताब में कहा, सिंध के अवाम के पास अलम बगावत बुलंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है, बिलावल की तकरीर असेंबली में सुन ही नहीं सकता, ऐसा लगता है कि किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। इस सूबे को बदलना है, अपनी जिंदगी बदलनी है, आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय अलम बगावत इस चोर के सामने बुलंद करने का। इनसे 100% 100% लड़ना है, अपना हक इनसे लेना है। उन्होंने किया क्या ऐसा सिंध में कि लोग इनको वोट देते हैं? ये झूठे हैं, जैसे ही आपका माल चोरी करते हैं वैसे आपका वोट भी चोरी करते हैं। हम ये किसी को धांधली से अपनी जीतने देंगे। वजीर दाखला शेख रशीद अहमद कहते हैं ऑपोजिशन का सारा खेल सिर्फ 9 दिन का है, ऑपोजिशन की अदम एतमाद में डेड लॉक हो गया, ऑपोजिशन के 12 बंदे उड़ने को तैयार हैं, अब ना झागा मांगा है ना मरी, ये अपने बंदे कहां रखेंगे? मीडिया से गुफ्तगू में कहा बिलावल साहब को इस्तीफा लेना है तो लाल हवेली आ जाए। तहरीक इंसाफ और जहांगीर तरीन में सुलह की भी पेशगोई कर दी। टोटल 9 दिन की ये खेल है जो तमाशा ये लगाना चाहते हैं। अपोजिशन में डेडलॉक हो गया है आदम एतमाद पर, न छांगा मांगा है और न मरी है। 12 बंदे का अपोजिशन में जॉगर ग्रुप है, ये फुर्र करके उड़ जाएंगे 12 बंदे आपके। बिलावल साहब आपके बस का खेल नहीं है कि 10 दिन आप लॉन्ग मार्च को लेके बाहर निकले हुए हैं कि मैं इमरान खान का इस्तीफा लेने जा रहा हूँ। लाल हवेली आओ ना, इस्तीफा देते हैं आप। मेरी उनसे कोई ना तलक है, ना फोन है, ना मुलाकात है। मैं उनके लिए दुआगू हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी तहरीके इंसाफ और जंगी तरीन में सुलाओ। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हुकूमत जाने के निशानात ज्यादा नजर आ रहे हैं लेकिन रुकने के भी कुछ इम्कानात हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अदम एतमाद में उस वक्त साथ देंगे जब मुरूसी सियासत के खिलाफ हमारा मौकिफ माना जाएगा, अगर हम किसी के इशारों पर चल रहे होते तो हमारे दफ्तर बंद न होते। पोजीशन है इसीलिए कि उसके नंबर पूरे नहीं है, अब किन से क्या बात हो रही है और क्या नहीं हो रही है इससे हम नहीं जानते। मैं तो समझता हूँ कि जाने के इम्कानात हैं लेकिन उससे ज्यादा के इंतजामात रुकने वाले